हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिजाउल और आप देख रहे हो क्रेजी एक्स। दोस्तों अगर आप एक टीपी लिंक का राउटर यूज कर रहे हैं और आप अपना राउटर का लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे मैं फ़ोन के ज़रिए बताने वाला हूँ बहुत ही आसानी से आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले आईपी पता होने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यह दो आईपी है, जो है 192.168.0.1 और दूसरा आईपी है 192.168.1.1। इन दोनों में से कोई एक आईपी आपके राउटर का होगा, क्योंकि ये अलग अलग मॉडल का वेरी करता है, तो इन दोनों आईपी से ही काम हो जाता है। तो हमें जो है कोई भी एक आईपी को कॉपी कर लेना होगा। मेरे केस में यहाँ पे 192.168.1.1 ये जो नीचे वाला आईपी है ये मुझे चाहिए, तो मैं इसे जो है कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप उस आईपी को पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे वहाँ पे टाइप कर लीजिए और यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपी लिंक राउटर का यहाँ पे मॉडल नेम शो कर जाएगा आपका। जो भी राउटर है आपका, दूसरा कोई राउटर है तो उसका भी मॉडल नेम शो कर जाएगा अकॉर्डिंग टू आईपी। अगर इस आईपी से आपका काम नहीं होता आप दूसरा आईपी ट्राई कीजिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट आईडी और पासवर्ड यानी यूज़र नेम और पासवर्ड है वो होते हैं एडमिन एडमिन, दोनों में ही सेम होते हैं। अगर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज किए हैं और आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको जो है अपना राउटर को रीसेट कर लेना होगा। यहाँ पे आपको पीछे की तरफ एक बटन मिल जाएगा जिससे आप रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो बना के भी रखे हैं, आप ऊपर आई बटन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ आपको, रीसेट करने से पहले आपको अपने सारे जो आईपी है वो पता होने की ज़रूरत है, वरना आप जो है उसे रिकॉन्फिगर नहीं कर सकते। और आपका आईपी पता है तो आप बहुत ही आसानी से कॉन्फिगर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप कॉन्फिगर करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे आईपीस शो कर जाएंगे आपको इस ऐप के थ्रू। तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के रखे है, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो आप आईपी कॉन्फिगर करने के बाद आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको पता है आपका पासवर्ड जो कि ना बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, तो मैं यहाँ पे एडमिन एडमिन डाल देता हूँ। एडी सब स्मॉल लेटर में होते हैं, ADMIN, और यहाँ पे भी डालेंगे ADMIN और यहाँ पे देखिए लॉगिन करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अभी हमें इसे चेंज करने के लिए जो यूज़र नेम और पासवर्ड है हमें यहाँ पे चले जाना होगा सिस्टम टूल्स पे। इसके अंदर आपको मिल जाएगा नीचे यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये ऐप से नहीं होता, नहीं ऐप से आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको वेबसाइट से ही करना होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है ओल्ड यूज़र नेम ओल्ड पासवर्ड, और यहाँ पे न्यू यूज़र नेम न्यू पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के लिए पूछा जा रहा है। तो आप अपने फटाफट से अपना न्यू यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिए और उसे कंफर्म कर लीजिए। मैं यहाँ पे अपना टाइप कर लेता हूँ। सो यहाँ पे जो है हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है, यहाँ पे कंफर्म भी कर लिया है। अभी हमें यहाँ पे जो है सेव ऑप्शन पे टैप कर देना होगा और यहाँ पे देखिए हमारा लॉगिन पेज फिर से ओपन हो चुका है। अभी हमें अपना न्यू यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल देना होगा, तो मैं यहाँ पे फटाफट से डाल लेता हूँ और यहाँ पे लॉगिन करने का कोशिश करता हूँ। सो हमने यहाँ पे अपना न्यू यूज़र नेम डाल दिया है और पासवर्ड भी डाल दिया, तो लॉगिन कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, इसके मतलब हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से यूज़र नेम पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए क्रेजी आस्क।